गाइस, तो अभी मैं ससुराल जा रही हूँ, उससे पहले मैं राखी का गिफ्ट दिखाती हूँ। इधर ग्लोबस हो रही है, इतना सारा गिफ्ट है। सो इधर पे ना राखी नहीं था, भाई दूज था। ओ सॉरी सॉरी, भाई भाई फोटा था। ये अनिर्वाण का दीदी का कुर्ती, जो हम जा ही नहीं पाए, उसका अलग स्टोरी है। बाराशात में एकदम फुल लॉक हो गया थे हम लोग। ये मुझे मेरी दादा ने दिया है, और दादा का गिफ्ट मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि दादा सुबह आए थे, उनको भी दे दिया और उन्होंने मुझे देखे गए थे। अच्छा, इधर पे ये मम्मी का नाइटी है जो मैंने दिखाया था, जो अपनी मम्मी को दिया था। ये निन्नी ने दिया है अनिर्बान को, ये बॉक्स में था, मैं बॉक्स छोड़ के और ये लेके आई हूँ किसी के घर से, क्योंकि बहुत ज्यादा गिफ्ट हो गया था। ये पार्क एवेन्यू का, इसमें सारे सेट है शेविंग किट का, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या बोलते सॉफ्ट टॉय, मेरी फुल्ली जो है, और इसमें बहुत सारे चॉकलेट भी है, ये सब ब्लॉकों के लिए लेके आए थे वो लोग। अच्छा, ये मेरी बुआ ने दिया है ब्लॉकों को डॉल, और इसके साथ ये ड्रेस भी दिया है बुआ ने। ये वॉश करने के बाद जब पहनाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको, जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ, फटाफट घर जाना है। अच्छा, तो मेरे भाई ने, बुआ की लड़का दीना ने ये मुझे गिफ्ट किया था। ये कुर्ती प्लाजो दुपट्टा का सेट है, मैक्स से लिया था, एम साइज का। अभी मुझे एम साइज ही आने लगा, पता है, पहले तो एक्सेस एस पहनती थी। और दो प्लेट भी दिया है, ये मम्मी का है शायद, तो मम्मी का ऐसे गिफ्ट दिया है। अच्छा, और ये प्लेट में अनिर्वाण को, ये दो प्लेट में अनिर्वाण को थोड़ा सा सजा के दिए थे, चिप्स वगैरह, क्योंकि अनिर्वाण को अभी बुआ को कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा था देने के लिए, बस यही है कदम। चलो अभी फटाफट से घर चलते हैं, ब्लॉक को रेडी रख दिया है। सो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, इतना सारा, इतना कितना दिन, चार दिन बाद। उसको ये लेना है, कैमरा का ये कवर लेना है। अरे क्या हुआ था ना, इधर पे जो साउंड है ना, उसकी वजह से अनिर्वाण को छुट्टी नहीं मिला था। नेक्स्ट वीक हम लोग शादी के लिए छुट्टी लिए थे एक्चुअली। हाँ, तो मतलब एक इनविटेशन है, तो उसमें जाना है, तो उसमें छुट्टी मिलेगा, इसमें नहीं लिया था अनिर्वाण ने। तो ऑफिस है और इधर पे इतना आवाज है, कल मम्मी पापा फोन किए थे, और ब्लॉको भी है ना, मतलब इतना साउंड में, मतलब उसको फिर भी कुछ कर सकते हैं, पर उसका ऑफिस का क्या करें। और कल मम्मी पापा फोन किए थे रात को, फिर इतना आवाज आ रहा था, मुझे लगा कि मम्मी पापा शायद ठाकुर देखने गए, बाहर घूमने गए। फिर अनिर्वाण बोले कि नहीं, वो लोग घर पे ही है, साउंड आ रहा है पास में से। तो कल भाषण था, अनिर्वाण बोले थे कि भाषण नहीं होने पे नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, चलो चलते हैं, अगर बहुत प्रॉब्लम होगा तो तिन्नी के घर में जाएंगे, उनका घर भी इधर ही है, उधर भी साउंड होगा पर लिटिल बिट कम होगा, क्योंकि हमारा जस्ट बाजू में ही है ना, वो भी एक नहीं दो दो है। लास्ट टू लास्ट टाइम, लास्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, हैदराबाद में थी, उससे लास्ट टाइम जब इधर आए थे तब भाई फोटा हमारे घर में होके उसके बाद अनिर्वाण की दीदी के घर गए थे, याद है तुम्हें। फिर रात को हम लोग जब आए, फिर इतना ये ग्रिल जो है ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, मम्मी पापा उस रूम में रहते हैं, थोड़ा सा फिर भी इधर पे ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, इतना साउंड था। फिर अनिर्वाण तो एकदम मतलब ऐसे हो गए। फिर 11 बजे शायद फिर से हम लोग मोतुमग्राम गए सोने के लिए। अनिर्वाण गुड बॉय हो गया है, आज सुबह 8 बजे उठ गया था, 7:45। मैं बोली कि चलो चलो अभी ना, अरे हम इधर आएंगे और प्रॉब्लम बारिश आ रहा है, इधर पे स्कूटी है ना, कार नहीं है ना, बारिश में बच्चे लेके नहीं निकल सकते हैं। तो मैं बोली कि देखो अभी वेदर ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं। तो मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने वाली थी, तो हम लोग आ गए अभी, हम लोग इधर पहुँच गए 9 बजे, 8:30 को निकल गए थे शायद। और इतना हवा चल रहा था रास्ते में कि हम लोग मतलब आ ही नहीं पा रहे थे, स्पीड नहीं उठ रहा था पूरा, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना। फिर मम्मी जी पापा के लिए, पापा ऑफिस चले गए, सूजी बनाया था तो वो था लकीली, तो मम्मी जी बोले कि तू खा लो पहले, भूख लग जाएगा सुबह से, और मेरा तो पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है 9:30 के बाद, खाना नहीं खाती हूँ तो। सो अभी मुझे वीडियो अप करना है, बिल्कुल नेट नहीं है ना उस घर में ना इस घर में, तिन्नी के घर में वाईफाई है, तो खाना खा के हम लोग जाएंगे उस घर, उसके घर में वीडियो अप करने, मतलब वीडियो डालना इधर इतना डिफिकल्ट हो जाता है, मैं क्या बताऊँ आपको। ग्लॉको जिधर ही जाती है मुंह मुड़ा लेके बैठ जाती है, गुस्सा हो गई है ग्लॉको। ग्लॉको मिमी के प्रणाम करो। आज सबसे बड़ा काम हो गया है, नहाना ग्लॉको का, और कपड़े पहनाना, अनिर्वाण नहाने गया है। उफ ग्लॉको एक तो शांति नहीं,
रश्मा नहीं तो फोन लगो लगो हाई फाई लगो हाई फाई लगो हाई फाई लगो खीदे पेज लखू को भूख लगा है इसीलिए दिखा रहा है इसको भूख लगा है उधर सीटी मार रहा है लखू का खाना लखू को ना बहुत ज्यादा खांसी हो गया है सो उसको मैं थोड़ा सा हनी देती हूँ एवरी डे ये डिजानो का हनी है लास्ट टाइम आके हम लोग बीमार पड़ गए थे आपको याद है उस टाइम के लिए मैंने लिया था एवरी डे लिया था मैं हनी हनी से ना बहुत अच्छे से आपको अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो बहुत अच्छे से वो हील हो जाता है कटोरी लेके खाओ डिजानो की जो ये हनी है ना इसमें कोई भी शुगर एडेड नहीं रहता है तो इसीलिए ये वाला हनी मैं प्रेफर करती हूँ तो बड़ा सा पैक लिया था मम्मी पापा भी खाते हैं तो इतना सा ही खर्च कर पाए हैं मम्मी पापा 3 महीने में आधा ही खर्च हुआ है पर उनको टेस्ट अच्छा लगा हनी का ओट्स के साथ ऐसे नॉर्मल भी खा सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मुझे तो हनी बहुत पसंद है हाँ मुझे भी सो ग्लोकू रानी का लंच हो गया है अभी हमारा लंच का टाइम है मम्मी जी ने आज बनाया है वाइल्ड भिंडी दाल और ये स्पेशल क्या है डीमेल कोरमा चलो मम्मी जो है ना यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे और ये है ग्लोकू के लिए दही क्योंकि ग्लोकू हमें खाने नहीं देंगे ग्लोकू दो बार लंच करते हैं एक बार खुद के साथ दूसरे बार मेरे साथ कोलकाता आने के बाद ना ग्लोकू बहुत डिस्टर्ब करने लगी है रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाती हूँ हर 15 मिनट 10 मिनट में उठ जाती है उठ के दूध के लिए ये करती हूँ क्यों तुम पेट भर के डिनर करने के बाद ही सोते हो ना फिर ऐसा क्यों करते हो ग्लोका सिंह और सिंह जी ऐसा क्यों ग्लोको हाथ घुरा ले नारूटा कोड़ा दाओ तो वाह एक तो घुमाना ग्लोको हम तो घुमाई मुझे अभी एडिटिंग करना है पर मुझे बहुत भूख लग रहा है ग्लोको को अभी अभी स्नैक्स खिलाया पौने 7 बज रहा है मुझे ना इधर का चाउमीन बहुत अच्छा लगता है पर सुबह को एग खाया था रात को भी एग है वैसे ही 2 एग नहीं खाते हैं तो एक चाउ नहीं खा सकती भेज चाउ खाना पड़ेगा 3-3 एग खाना हो जाएगा जो सही नहीं है अनिर्बन जाएगा लेने मुझे मन नहीं कर रहा जाने का इधर आके ना पता नहीं क्या होता है इधर पे ना एक ऐसा लाइन जाता है ब्लैक कलर का ये देखो ग्लोकू ने किसका स्वेटर पहना है अनिर्बन का बचपन का स्वेटर ए देखो दिखाओ ग्लोकू दिखाओ एक टोपी भी है चलो 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 ग्लोकू आया है निमकी लेने अगलाकुराम निमकी पसंद हो अनिर्बन ने बोला कि ग्लोकू को लेके निकलूंगा मैं उसको दिखाऊंगा तो मैंने बोला कि नहीं तब तो मैं भी निकलूंगी मैं ग्लोकू के लिए नहीं निकल रही थी क्योंकि मम्मी जी अकेली नहीं संभाल पाती है हमारा चाऊ बन रहा है चाउमीन एक प्लेट हो गया है ये दूसरा प्लेट बन रहा है देख ग्लोकू चाऊ खावे खावे चाऊ खावे अगलाकुराम ग्लोकू ने देखो इधर पे चोट पहुंचाई है खुद को कट गया है ओ हो गया सर ओ टाका अनिर्बन ना ये चाऊ का पैकेट ग्लोका को दिया पकड़ने के लिए पर ग्लोकू कैसे पकड़ेगा उसका तो हाथ ही नहीं है तो गब्बर जैसे हो गया अगला गुराम ये पापा का स्वेटर पहन के अच्छा लग रहा है वो जागो ना दोचे दी आज के 11 स्टार्ट हो चुके हैं ग्लोकू के जीवन पे बहुत ही बड़ी दुविधा आई है ग्लोकू चूसनी नहीं पकड़ पा रही है पापा के स्वेटर में पैर से ग्लोकू गुस्सा हो जाएगी ग्लोकू না না এগুলো দাও
इसका टेस्ट ही अलग होता है। और वो ना कैसा चाउमीन है, थोड़ा सा थीन थीन वाला। हैदराबाद में जो भी मिलता है वो मोटा वाला होता है। और इधर खा के ना मजा है भाई, कितनी कम प्राइस में। मुड़ी दो प्लेट चाउमीन लिया है स्नैक्स के लिए, एक मम्मी पापा एक मैं और अनिर्बन, तो हाफ हाफ में भी इतना क्वांटिटी आता है। और दो प्लेट मिला के 90 रुपीज भाव, इतना कम कॉस्ट। इसलिए इलाका ही भी दे रहा है कि मुझे क्यों नहीं दे रहा, इतना तो दिया है। ग्लाकाई के सामने कुछ भी खाना बहुत मुश्किल है। सब এখানে খাটে ছড়াবে, তারপরে অবশ্য খাট থেকে খেয়ে নেবে, ধুলো নেই তো। খাবি ভাও ভাও লাগাই কি ভালো খাতে। ग्लाकू और ग्लाकू का ये मुड़मुड़ा, ये दो चीजों ने मेरी जीना हराम कर दिया। हर जगह पे मुड़मुड़ा, हर जगह पे। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड के घर में गई थी मैं, सुचरिता, कहीं पे कुछ भी नहीं है, खेल रही थी, अचानक से देखा कि गड़े मुंह में उंगली डाला, इतना बड़ा वो बॉक्स काइंड ऑफ एक चौकोस होता है ना, केलॉग्स चौकोस, वो मुंह के अंदर कहाँ से मिला उसको पता नहीं। वो निगल भी नहीं रही थी, निगल भी नहीं जाएगा ना उससे, क्योंकि उतना बड़ा था तो हमसे भी निगलना नहीं जाएगा। तो चलो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। ग्लाकू सिंह मुरमुरा खा रही है। ग्लाकू बाय बोल तो। ग्लाकू ये देखे ग्लाकू मुरमुरा में बिजी हो गया है। ग्लाकू बाय बाय। ग्लाकू बाय। ग्लाकू बाय बाय। बाय करना सीख गई है ग्लाकू ने। ओके गाइस चलो गुड नाइट बाय।